आज हम शेडो फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे एक कैंडल है, शेडो फॉर्मेशन के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो ये टॉर्च जो सोर्स ऑफ लाइट है, कैंडल को हम बुझा भी सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये टेबल जो है वो एक स्क्रीन का काम कर रही है, यानी उसके ऊपर इमेज बनेगी। जैसे मैंने इस कैंडल पर भी लाइट नहीं डाली, जैसे मैं लाइट डालूंगी देखो इसकी इमेज फॉर्मेशन, अगर मैं एंगल ऊपर बिल्कुल जैसे नून टाइम में होता है ऐसे शेडो फॉर्मेशन छोटी होगी, अगर बिल्कुल इसके हेड पे अगर मैं टॉर्च रखती हूँ तो और छोटी होती जाती है, लेकिन जैसे जैसे सनराइज होता है सनसेट होता है तो उसकी जो एंगल है वो बढ़ता जाता है। तो इसी तरीके से अगर मैं भी सोर्स ऑफ लाइट को टॉर्च के इससे मैं ऐसे डालती जाऊं तो इसकी जो शेडो है वो लंबी होती चली जाती है। जितना आप एंगल बढ़ाओगे शेडो की लंबाई उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और आप इसको रोटेशन करते हुए भी देख सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप सोर्स ऑफ लाइट को घुमाओगे तो उसकी शेडो है वो आपको बड़ी नजर आएगी। और इस तरीके से शेडो फॉर्मेशन कब होती है, जब लाइट ब्लॉकेज होती है, जो शेडो बन रही है जिस हिस्से में, पूरी कैंडल आपको दिख रही है लेकिन जिस हिस्से में आपको ये जो लाइट टॉर्च की लाइट ब्लॉक हो रही है कैंडल के द्वारा, वही ब्लॉकेज आपको शेडो की फॉर्म में आपको लंबी या छोटी, उसके एंगल पर डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, उसके ऊपर लाइट किस एंगल से गिर रही है। अगर एंगल कम है तो शेडो कम होता जाएगा, एंगल ज्यादा है तो शेडो है वो ज्यादा होता जाएगा। तो मेन कोई भी जो ओपेक ऑब्जेक्ट होती है अगर हम उसके ऊपर लाइट गिराते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ इसकी जगह अगर मैं एक ज्योमेट्री बॉक्स लेती हूँ तो आप देखोगे इसकी शेडो पीछे आती है। मैंने यहाँ पर लाइट डाली जैसे इसके ऊपर, इसके ऊपर इसने ब्लॉकेज की, पीछे आपको पूरी की पूरी शेडो नजर आ रही है। तो ये शेडो क्यों आती है, क्योंकि लाइट ब्लॉक कर लेता है, जितनी भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनमें से लाइट आर पार नहीं जाती, इसलिए वो ब्लॉकेज हो जाती है और हमें वो शेडो की फॉर्म में दिखाई देती है। इसकी शेडो आप अलग अलग उसमें फॉर्म इस तरीके से शेडो वो दिखाई देगी। अगर मैं उधर की तरफ सोर्स रखती हूँ तो वो शेडो होगी, इसी तरीके से इसका एंगल शेडो का वो चेंज होता जाता है लाइट के हिसाब से, ब्लॉकेज के हिसाब से। थैंक यू सो मच।